आप सबको इस पवित्र सप्ताह में, जहाँ कहीं भी आप घरों में हैं, कहीं भी हैं, प्रभु परमेश्वर के दुख और मरण को हम स्मरण करते हुए आज की आराधना को हम आरंभ करते गीत गाएंगे। गीत नंबर 58, उसके प्रथम, दूसरा और पांचवा अंतिम पद, कहाँ मसीह का तेज और मन, कहाँ वह निंदित काट का हम। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होए, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिर्जा। हमारे अपराधों के लिए छेदा गया, हमारी बुराइयों के कारण कुचला गया, हमारे कुशल के लिए उस पर ताड़ना हुई और उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। आओ हम प्रभु की स्तुति करें।
संग होए। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पापों का भार हम पर से उतार के अपने पुत्र पर रखा है। हम दीनता के साथ तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला, कि हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख और मरने के द्वारा शैतान के विरोध और हर परीक्षा में शांति और सामर्थ पाएं, जिससे सब पापों से परे रहने का यत्न करके अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु आज के दिन में हम तेरी दया और आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं, और यह पवित्र सप्ताह जो हम सबों को एक अवसर के रूप में दिया है, हम अपने कलीसिया में प्रभु परमेश्वर के दया और अनुग्रह के वचन को हम दे सके, ताकि प्रभु परमेश्वर तेरी दया और अनुग्रह का प्रतिफल हम पा सकेंगे, जिससे प्रभु तेरे वचन से हमें शांति और आनंद मिलती है। यह प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले, आमीन। आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमें ठहराया गया हम सबों के निमित्त, वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वां अध्याय पद 18 से आगे 22 पदों। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18 पद से आगे 22वें पद तक परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ ऐसा मिलता है। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ। आप उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम को मिलेगा। यहाँ तक, आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु, ईश्वर के मेमना जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। Oh.
यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रिय विश्वासीगण, आज हम भयभीत हैं। कोरोना महामारी के कारण हम वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का दंश झेल रहे हैं। विकासशील देश भी इस महामारी के सामने घुटना टेक दिया है और कलीसिया ऐसे समय में बंद कर दिए गए हैं, चर्चों में ताले लग गए हैं, आराधना के सभी कार्यक्रम और अनुष्ठान और त्योहार की सारी उत्साह बंद कर दिए गए। या हम सबों के लोक जीवन के लिए लॉकडाउन का घोषणा हमारे सरकार ने की है हम सबों के भलाई के लिए। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वह प्रभु परमेश्वर ऐसे समय में हम सबों के जीवन को अपने संगति और उपस्थिति का अनुभव करने देता है। हम इस बातों को अपने जीवन में देख पाते हैं और जिस वचन को हमने पढ़ा है उससे पहले उस भयानक महामारी के विषय में हमने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में पाते, वह हमें लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 11 पद में हमें ऐसा मिलता है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेंगी, आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे और इन बातों का होना निश्चित रहा और आज हम उन बातों को इस वर्तमान युग में आज के दिनों में देखने पाते हैं। ख्रिस्तीय में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जयध्वनि के साथ प्रवेश किया और हजारों लोगों के बीच में उनका प्रवेशन हुआ और वहीं से मानव जाति के उद्धार की कहानी शुरू होती है। मानव जाति का उद्धार का कार्यक्रम, मानव का उद्घाटन वहीं से हुआ। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हम इतवार के दिन में 5 तारीख में यह देख पाए कि वह यरूशलेम में एक भारी भीड़ के साथ जय जयकार करते हुए यरूशलेम में प्रवेश किया। आप उसके आगे हम यह स्मरण करते हैं कि दूसरे दिन उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर को पवित्र करने के लिए, और मंदिर में लेन देन करने वाले लोगों के पीढ़ों को उलट दिया। हाँ, उसने कहा मेरा घर परमेश्वर का घर है, उसे चोर और डाकू का खो मत बनाना। और उससे आगे जब आज मंगल के दिन में, मंगलवार के दिन में हम पहुंचते हैं पवित्र सप्ताह के शुभ घड़ी में, अगली सुबह यरूशलेम जाने के रास्ते पर एक अंजीर पेड़ को वह देखता है और उस अंजीर पेड़ को जिसमें वह देखा उस पर फल नहीं लगे थे, उसे उस पेड़ में पत्तों को छोड़ कुछ भी नहीं था क्योंकि फल का समय नहीं था। यीशु ने अंजीर के पेड़ को इस बात के लिए, इस बात की व्याख्या के लिए या समझाने के लिए के उद्देश्य से श्राप दे दिया कि भविष्य में इसराइल का क्या होने वाला है। प्रियो, वह इसराइल जो परमेश्वर के आशीष से परिपूर्ण होकर के उस देश के लिए चल रहे थे जो प्रभु के महान अनुग्रह पूर्ण देश के लिए उन्होंने इसराइलियों को निकाला था मिस्र की गुलामी से, और उस गुलामी से निकाल करके आशीष के राज्य में, उस देश में ले जाने पर था और ले जाता था। उन्होंने रास्ते घाट बाट में कई प्रकार के परीक्षाओं का सामना किया, दुख और तकलीफ उनके जीवन में आई और दुख और तकलीफ के बीच में उन्होंने कई बड़े बड़े पाप भी किए।
और उन पापों के कारण प्रभु परमेश्वर उसे छोड़ नहीं दिया, परंतु उस पापों से क्षमा करने के लिए उन्होंने अपने लौते पुत्र मसीह को इस जगत में भेज दिया। प्रियो, हम यहां पाते हैं कि स्वयं के लोगों का जीवन की स्थिति क्या होगी और उसका भविष्यवाणी प्रभु के इस वचनों में हम पाते हैं कि भविष्य में इसराइली राष्ट्र की क्या दुर्दशा होने वाली है। यह नबी के किताब में 8:13 में हम पाते हैं, यहोवा की यह वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, ना तो उसकी दाखलता में दाग पाई जाएगी और ना अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उसे दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, दूर से देखने से इसराइल मनोहर और भला दिखाई देता है, मानो पत्तियों से आच्छादित है, सुंदर है, परंतु उसे जब हम पास से देखते हैं पता चलता है कि उसमें धार्मिकता का कोई फल दिखाई नहीं देता, और धार्मिकता फल का फल नहीं दिखने के कारण ईश्वर ने उस यरूशलेम को, उन इसराइली राष्ट्र को उस धार्मिकता के विषय में चेतावनी देता है, क्योंकि उसने अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा उसे अशुद्ध कर दिया था, और इसलिए प्रभु का वचन कहता है इसके बाद से किसी ने उसका फल नहीं खाया, अर्थात इसराइल का कोई भी व्यक्ति आशीष प्राप्त नहीं करेगा। इसराइल को संसार की जातियों के लिए ज्योति अर्थात आशीष बनना था, इसके बजाय वह बिना आत्मिक फल के आत्मिक रूप से मृत्यु पाया गया, वह अंजीर के एक बांज वृक्ष के समान बन गया था। जिस प्रकार मसीह ने अंजीर पेड़ को सुखा दिया, उसी प्रकार यीशु मसीह हम सारे लोगों के जीवन को, उन इसराइलियों के जीवन को जो कठिन दंड और न्याय की का वह दंड दिया, उसके बारे में हम पाते हैं कि इसराइली राष्ट्र जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने उस फरीसी शास्त्री महायाजकों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उसका फल भोगते हैं। 40 वर्ष बीत जाने के बाद, यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के 40 वर्ष बीत जाने के बाद इसराइल की राजधानी यरूशलेम पर परमेश्वर का न्याय दंड आ पड़ा। इसे रोमी सेना ने 70 AD में पूरी तरह तहस नहस कर दिया। प्रियो, आज हम और आपके पापों के कारण यीशु ख्रीस्त क्रूस की मृत्यु को सहा है, हम और आपके जीवन को बचाने के लिए, आत्मिक जीवन को संभालने के लिए यीशु ख्रीस्त अपने आप को एक मेमना बना दिया, और ऐसे समय में उन विद्वान लोग, उन फरीसी शास्त्री लोग, उन महायाजक लोग ठोकर का कारण ठहरे, जिसको हम इंग्लिश में स्टम्बलिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं, उन्होंने उस ठोकर के था का कारण ठहरा, और वह ठोकर का कारण था कि उद्धारकर्ता प्रभु और परमेश्वर का पुत्र एक अपराधी के समान क्रूस पर मारा जाएगा, यह उनके अंदर विश्वास नहीं थी, और इसलिए मात्र उसे एक बढ़ाई का पुत्र समझ करके उस पर दोष लगाना आरंभ किया। क्रिस्त में विश्वास हो, इसके कारण उन लोगों के जीवन में परमेश्वर के का दंड, न्याय दंड पड़ा, और 70 AD में वह यरूशलेम तहस नहस कर दिया रोमी सेना के तहत। क्रिस्त में विश्वासी, आज हम और आप क्या हैं, कहां खड़े हैं? ईश्वर का पवित्र वचन कहा है यूहन्ना 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंचा।
आज कोरोना वायरस के कारण हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में, देश और दुनिया जो वैश्विक महामारी का दंश झेल रहा है, आज इस बात को हम स्मरण कर रहे हैं कि ईश्वर का वह दंड किस रीति से मानव जाति पर आया, यह उनके पाप का प्रतिफल किसी देश ने जरूर करके इसका प्रयोग किया होगा और उसका वायरस आज और हम आप झेल रहे हैं। सो ईश्वर ने यह चाहा है कि हम उस मृत्यु के द्वार से छुड़ाए जाए। इसके निमित्त परमेश्वर आपने भेजे भेजने वालों पर जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंचा है। ख्रिस्त में विश्वासियों, पश्चाताप का फल हमारे जीवन में, आपके जीवन में, दुनिया के जीवन में परमेश्वर का उद्धार है। परमेश्वर के सम्मुख जब अपने पापों के निमित्त हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर सचमुच हम और आपके जीवन को बचाएगा। जिस रीति से मनुष्य का जीवन परिवर्तन हो जाता है जब पश्चातापी जीवन लेकर के हम प्रभु के पास आते, पश्चाताप का फल के विषय में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में उदाहरण पाते कि जखई जो एक धनी व्यक्ति था और अधिक धनी बनने के लिए बड़ा ही तेजी से वह काम कर रहा था और उसका काम करने का तरीका अन्याय करते पैसा लूटना था और इसके कारण पाप उसके द्वार पर खड़ा हुआ। ख्रिस्त में विश्वासियों, परंतु हम पवित्र शास्त्र बाइबल में यह पाते हैं परमेश्वर से दूर और परमेश्वर के न्याय अर्थात अधीन ना रहने के दोष से अपंग जकई का जब यीशु का सामना करता है, उसका सामना जब यीशु के साथ होता है तो उसका जीवन बदल जाता है। तब वह कह सका कि हे प्रभु, देख मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और जो कुछ भी मैंने अन्याय करके दिया है उसका चौगुना फेर देता हूं। ख्रिस्त में विश्वासियों, यह है पश्चातापी जीवन और इसके कारण जकई का जीवन जब परिवर्तन हुआ वह आनंद से भर गया। वो जकई का परिवर्तन इसमें नहीं था कि उसने क्या करना बंद कर दिया, परंतु इसमें था कि उसने क्या करना आरंभ किया। उसके लिए व्यवसायिक मूल्य कल की बात हो गई और अब परमेश्वर के राज्य का मूल्य उसके व्यवहार का मार्गदर्शन करने लगा। उसने ना केवल अपने द्वारा किए गए बुरे काम के लिए पश्चाताप किया, परंतु जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया था उन्हें चार गुना वापस कर दिया। जकई एक अच्छा व्यक्ति बन गया। यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय के 9 पद में हम पाते हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लग गया है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन जो यह हमारा मन है, हमारा यह विवेक जब गलत मार्ग को ले लेता है, गलत सोच में चला जाता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग है। असत्य रोग जब हमारे मन के अंदर लग जाता है प्रियो, हम प्रभु से दूर भटक जाते हैं, हम पाप के गुलामी बन जाते हैं और पाप की शक्ति हमें घेर लेती है और उस पाप की शक्ति के कारण हम धराशायी हो जाते हैं और प्रभु के सम्मुख खड़े होने के लायक पाप नहीं रह जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में हम इस संसार के जीवन यात्रा को त्याग करके प्रभु के पास जब आते हैं, इस संसार के सादृश्य अपने आप को उसे अलग करके प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारे जीवन को क्षमा करता है, प्रभु हमारी सुधि लेता है, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में होगा और परमेश्वर के दया रूपी आशीष के छाया में हमारा जीवन होगा। ख्रिस्त में विश्वासियों, हम रोमियों के पत्र 12 अध्याय का 2 पद में पाते हैं, इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण
तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भौतिक और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से हम मालूम करते रहे, अनुभव परमेश्वर सचमुच हमारा आपको दिया है कि हम अनुभव करते हैं कि हमारी दुर्दशा से प्रभु हमें अलग किया है। प्रभु की आशीष और अनुग्रह के कारण ही आज हम इस रूप में पाए जाते हैं, एक विश्वासी जीवन जीते हैं। परमेश्वर की भवि और होता हुआ बलिदान के रूप में हम अपने जीवन को पाते हैं। इसलिए आज चाहिए ख्रिस्त में विश्वासी प्रिय भाई और बहनों, जिस रीति से परमेश्वर का वचन इफिसी 6:13-17 पद में हम पाते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से कमर कसकर धार्मिकता का झिलम पहनकर पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। विश्वास के ढाल जो परमेश्वर का वचन है जब हम ले लेते हैं, उन दुर्दशाओं से प्रभु हमारे जीवन को बचाता है जो हम आज झेलने पर हैं। आज हम दुखित हैं, क्लेशित हैं, व्याकुल और बेचैनी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यही आश्वासन देता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। आज हमें प्रभु के पास आकर के उसके उद्धार की चट्टान पर खड़ा होकर के विश्वास की कुश्ती लड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से कमर कसकर धार्मिकता का झिलम पहनकर और इससे सब विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, जिसे तुम उस दुष्ट के जलते तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। ख्रिस्त में विश्वासियों, वचन इस बात पर हमको अगुवाई देता है कि दुष्ट के जलते तीरों से को बुझा सको। आज हमारे और आपके जीवन में, विश्वासियों के जीवन में उस दुष्ट के जलते तीर के रूप में कोरोना वायरस और एक महामारी जो वैश्विक महामारी जिसको हम कहते हैं आज हमारे बीच आन पड़ी है। और सरकार ने यह कहा है कि सोशल डिस्टेंस बनाएंगे और लॉकडाउन कर दिया गया और हमारे सारे आराधना विधि बंद कर दिए गए। परमेश्वर का वचन के बारे में कहा गया, जब पौलुस इस बात को स्मरण करता है कि वह जेल में जब रहा, पौलुस इस बात को स्मरण करता है मैं तो कैद हूँ लेकिन परमेश्वर का वचन कभी कैद नहीं होगा, परमेश्वर का वचन फिरता रहेगा, लोगों के पास जाता रहेगा और लोग उसे ग्रहण करते रहेंगे। परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य में हम और आपका जीवन होगा। इसलिए ख्रिस्त में प्यारो भाई और बहनों, दुष्ट के जलते तीरों को बुझा सकने की जो उद्धार का टोप है, आत्मा का तलवार है, जो परमेश्वर का वचन है उसे हम आज ले लें। आगे हम उसके वचन को लेने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की आवश्यकता है और पश्चातापी जीवन जब प्रभु के पास आते हैं। प्रभु भजन संहिता 51 का उसका 17 पद में कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब हमारा जीवन इन सारे तमाम विरोधी शक्तियों के से और इन दुख और तकलीफ से जब टूट जाता है, हम टूट करके जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमें निकाल नहीं देता, प्रभु हमें ग्रहण करता है क्योंकि हमसे वह प्रेम करता है और उसी प्रेम के तहत अपने एक लौते पुत्र को इस जगत में भेजा, जिसने इस जगत के पाप को समाप्त करने के लिए क्रूस की मृत्यु को सहा है। अंत में हम ईश्वर के इस पवित्र वचन को आपके सामने रखते हुए विश्वास दिलाते हैं,
भजन संहिता 2 तथा उसके 11 से 12 पद में प्रभु का वचन ऐसा लिखता है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो, पुत्र को छुमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिसका भरोसा उस पर है। प्रभु परमेश्वर अपने धन्य आशीष के तहत उस धन्य लोगों के श्रेणी में हमें रखे और उसी की आशा शांति अनुग्रह में हम पाए जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों की अगुवाई निरंतर करता है, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं का सामर्थी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यह दिन हमें जीवन दान देकर दिया है। आज हम तेरा दुख भोग को स्मरण करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि तू हमसे प्रेम किया है। तेरा प्रेम मानव जाति के प्रति अटूट है, जिससे बचाने के लिए तू मानव रूप धारण किया कि उनका उद्धार हो सके। हे प्रभु, हमारे कलुषित मन को तू पवित्र कर, ताकि हम अपने हृदय के अंदर तेरे प्रेम को अनुभव कर सके। इस घड़ी हम तेरे वचन पर मन लगा सके और वचन की आशीष को और उसके बीज को हमारे जीवन और अंतःकरण में अंकुरित होने दे, ताकि हम शांति और आनंद और सुरक्षा प्राप्त कर सके। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, यह प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन, स्वर्ग में पूरी कर ले, आमीन। आगे गीत गाएंगे, गीत नंबर 59 रक्त मुझे क्रूस के पास वहां मुक्त का सोता। Oh,
परमेश्वर के पवित्र वचन को इस घड़ी स्मरण करें। जो पाप से अनजान था उसको उसने हमारे लिए पाप बनाया कि उसमें हम ईश्वर के धार्मिकता बने। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सत्य और दयालु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु उद्धारकर्ता को जगत के उद्धार के लिए भेजा और उसने अपनी क्रूस मृत्यु और बलिदान के द्वारा मेल मिलाप की सेवा दी और सबों के लिए उद्धार को सुनिश्चित कर दिया है। तूने हमें भी इसके लिए बुलाया है कि हम उद्धार की आशीष और आनंद को प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं हम सबों को इस आशीष में दृढ़ और स्थिर कर, हमारी हर प्रकार की घटियों और कमजोरियों में हमारा सहारा ठहर, हमारे जीविका के सभी कामों में आशीष दे, बच्चों के परिपोषण में माता पिताओं की सहायता कर, जवान युवतियों को अपने भय प्रेम और भरोसा में मजबूती होने दे। प्रभु, जबकि संसार में विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हुई है, कोरोना वायरस के महामारी के कारण हम भयभीत हैं, लोग व्याकुल हैं, बेचैन हैं और घरों में बंद है। ऐसे समय में प्रभु अपनी अनुग्रह रूपी वचन को उनके घरों तक पहुंचने दे और तेरे पवित्र वचन को सुन करके ईश्वर के उस चंगाई को अनुभव करें जो हमारे जीवन के लिए प्रभु करते रहा है। ईश्वर पिता, हम तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। जितने भी देश में सेवा करने वाले, हर एक प्रशासनिक सेवा करने वाले लोगों के साथ बोले, सरकार के साथ बोले, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों के साथ हो, ताकि इस देश को एक शांति की ओर ले चले, एक सुरक्षा में रख सके। और प्रभु, इसके लिए जो कि कुछ भी उपाय किया है उन उपायों में तू अपनी संलिप्तता कर, जिससे प्रभु तेरे नाम की दुहाई देते हुए हम भले चंगे पाए जाएं और यह बीमारी इस देश से, इस संसार से हट जाए और हम परमेश्वर के आशीष के भागी बने। पिता ईश्वर, हम तेरे हाथ में बुजुर्ग माता पिताओं को भी सौंपते हैं जो बुजुर्गी की अवस्था में अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आदर्श जीवन दे आप सबों को प्रभु, पुनरुत्थान की आशा की ओर ले चल, ताकि आने वाले दिनों में तेरे आशीष के उस मूल को हम अनुभव करने पाए। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, या प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन, स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रेक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दीन मन से आप सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।